पीने के लिए रुक गए। चीयर्स। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। ये व्लॉग की शुरुआत कटिंग से चालू की अपन ने। यहाँ पीछे नीचे आए थे, जयेश मेंस पार्लर यहाँ नीचे ही है, बहुत सालों से आते अपन वहाँ आए थे। आज अपने वाले भैया नहीं थे, जयेश भैया आज कोई और ही थे, लेकिन फिर भी ठीक काटे उन्होंने। वैसे थोड़ा ग्रूमिंग वूमिंग बहुत बढ़िया की है। क्यों की है आपको व्लॉग में आगे पता ही चलेगा। एक शॉर्ट ट्रिप, वन डे रिटर्न, वो क्या है जानने के लिए बने रही है वीडियो में आखिर तक। तो भाई सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, वो कुछ तो भी मोर्चा निकाला उन्होंने उसके लिए। बाकी घर आए तो दीदी की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब, फूड पॉइजनिंग हो गया था। वो एक जगह से लेके आए पता नहीं क्यों, मैं भाकरवड़ी वो खाई, दीदी भी बीमार, मैं भी बीमार। वो तो अच्छा, मेरे को सलाइन लगाने जितना हुआ नहीं, दीदी लगा के आए दो टाइम। शाम हो चुकी है, पूरा दिन उसी में गया। अगस्त भाई भी मस्त दूध पी के एकदम सो गए, वो थोड़े जगह शायद से देते, इनका अपडेट लेते हैं। बस सोए नहीं अभी तक, इनको ये नया लेके दिया है तो ये इसको ऐसा चालू करके ऐसा मस्त देखते ही है। हाँ मम्मा एक मिनट, अबे घूमेगा और ये प्यार बढ़िया से देख के उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है। ऐसा मम्मी भी वो कल सब आ रहे हैं ट्रिप के लिए जो आपको बताया था उसके लिए, तो उसकी तैयारी में थे। दीदी सलाइन लेने गए थे तो ये मेरे पास ही था, इतना रोए बाप रे बाप, रखने का तैयार नहीं। फिर मम्मी आए, मम्मी के पास शांत हुआ, नानी के साथ खेल लेता, मामा के साथ क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। क्यों भाई बताओ क्या दिक्कत है तुमको, दिक्कत क्या है तुमको हमारे साथ खेलने की? हाँ झोली हिला दे थोड़ी सी, अच्छा ये लो अब देखेगा बराबर, और नहीं तब हाथ में लो दो, मैं चालू जाता भाई साहब। आज एक नई डिश ट्राई कर रहे हैं भाई, बूंदी रायता। खाया है बाहर लेकिन घर पर पहली बार बनाने का देख रहे हैं। दीदी ने रेसिपी देखी है थोड़ा, हम उनको हेल्प कर रहे हैं। दही लिया हमने, उसमें थोड़ा पानी डाल के फेंट लिया अच्छे से। आप क्या क्या डाल रहे हो? जीरा पाउडर, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। अभी तबीयत कैसी वैसी आपकी? सलाइन लगा के थोड़ा ठीक लग रहा है? यप। देखो और मम्मी जी को पर्सनली कच्ची कोथम्बीर बहुत पसंद है, तो हमको हर चीज में डाल के होना। हरा धनिया कोथम्बीर में? हाँ वो समझ जाते, अभी कोथम्बीर मतलब हरा धनिया। तो अभी इसको अच्छे से मिला, हम कुछ मदद करें आपकी? नहीं। इसमें थोड़ा चाट मसाला डालिए। डाला ना, डाला। डाला? जीरा पाउडर डाला, तिखट और काढ़ा मीठ। काढ़ा मीठ है ना अपने पास? एक मिनट मेरे को पता है। नहीं एक मिनट, आप ये वाला नमक डालिए। मम्मी जी आपको तीन बार बोला था हमने ये लेने का, अपने को याद ही नहीं रहती, खत्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है, इसको वापर लीजिए। यूज़ कर लीजिए, सब डाल लो बढ़िया से एकदम, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। यहाँ मम्मी वेज पुलाव बना रही है, यही एक ऑप्शन है। अभी खराब है हमारी, पुलाव ही खा रहे, थोड़ा टेस्ट करके देखें हम। ओके, ये जो बूंदी है तीखी वाली या फिर जो नमक वाली सादी रहती है, उसको थोड़ा सा हमने पानी में भिगो के रखा है। और ये जो है अपना दही का बैटर, थोड़ा चाट मसाला कम लग रहा है। जीरा पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर भी डालिए, चाट मसाला भी डालिए। मैं भी इक्वली बनाने में हेल्प कर रहा था, लेकिन अभी हमारी नई ड्यूटी लग गई है इनको सुलाने की, सोने का नाम ही नहीं ले रहे। इनको बस चाहिए खिलौना चालू कर दो और झोली हिलाते रहो। फाइनली रेडी हो गया है, इसमें थोड़ी शक्कर भी डाली तो और अच्छा है, और जीरे का तड़का दे दिया। बाकी मैं 3-4 चम्मच खा चुका हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। खाना खाते और आज के दिन को यही समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग सब, अपनी सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे 10:30 और 10:30 पे पी रहे अपन चाय। आज अगस्त की भाई वैक्सीनेशन है, जितना शांत लग रहा है वापस इतना शांत आएगा नहीं, क्यों अगस्त? हाँ तो हम भी आ गए हॉस्पिटल अगस्त के साथ में, बढ़िया से सोया है, इसको दिखाते हैं। बढ़िया से सोया है भाई अगस्त, इसको सोने ही देते फिलहाल। निकाय निकाय निकाय
स्ट्रॉन्ग है ना अगस्त्य, थोड़ी देर रोया बस, बाद में शांत हो गया। ब्रेव बॉय है ना एकदम अगस्त्य, ब्रेव बॉय। यस मॉर्निंग गाइस, तो रेडी हो चुके हैं भाई अपन, बढ़िया से ही अपना आउटफिट है, निकल रहे उज्जैन के लिए। उज्जैन जा रहे हैं अपन। उज्जैन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज है प्रदोष और हमारी मम्मी जी जो है वो शिव जी को 1100 वातियों का दिया लगाती है हर अलग अलग मंदिर, तो उनका लास्ट है शायद से, लास्ट या लास्ट सेकेंड, तो सोचा उज्जैन जाते हैं। तो सारे जिनको जिनको उज्जैन जाना था, सारे रिलेटिव्स वगैरह वो सब भी आ गए, पीछे है सब अंदर। बाकी आज के आज ही वन डे रिटर्न है अपने, तो 6 घंटे जाना, वहाँ रुकना, वहाँ रिलेटिव्स भी है, उनके यहाँ भी जाएंगे और फिर वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आओ अपनी अपनी। अरे छोड़ दिया पीछे, पीछे जो गाड़ी गई वो भी अपनी थी, दो गाड़ी से जा रहे हैं अपन सब यहाँ। हाँ छोड़ा ना पीछे, छोड़ा जस्ट छोड़ा, अपने साथ गुरुजी मामा जी सब है, और वो गाड़ी में मम्मी दीदी और दूसरे मामा है। ये हमसे टोल गेट पे आगे निकल गए थे, तो अब इनको फिर से पीछे छोड़ रहे हैं। ये रहे अपने पीछे। मैं चाय के लिए रुके हैं, ये कोई अग्रवाल करके उसकी बढ़िया रहती, गुरुजी बोले लेते हैं उनकी चाय, देखते कैसी है। सब बैठे चाय पी रहे, सेंधवा के पीछे थोड़ा सा रुके थे हम चाय पीने, अग्रवाल करके कोई तो भी है आगे, क्या सेंधवा के थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। क्विक पेट्रोल स्टॉप के लिए रुके थे, इंदौर के पास है अपन, पेट्रोल भराने के लिए रुके थे दोनों गाड़ियों में, अपनी इसमें में भी और उसमें में भी, i20। अभी चलते हैं। से निकल रहे हैं, अंदर जाएंगे तो लेट हो जाएगा। बढ़िया बिल्डिंग है यहाँ, तो यही मशीन है जिससे ये मेट्रो के ये ब्लॉक्स रखते हैं, जिसे उठा के ऊपर। आ गए भाई उज्जैन, पूरा बारिश का माहौल बन के है, बस प्रे करना बारिश ना गिरे। तो मंदिर बस 1 ही किलोमीटर है और हम 7 लोग बैठने की कोशिश करेंगे, बैठ गए भाई 7 लोग, हम आगे 3 लोग बैठे हैं। फिर से ये घर पे ना ट्राई करें, या फिर जहाँ भी हो वहाँ बिल्कुल ट्राई ना करें। और ये हम आसमां की वादियों को छूते हुए पीछे सब बढ़िया बैठे हैं। जय महाराज। आपका नाम क्या है? चेतन माले। चेतन भैया लेके जा रहे हैं हमको, और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, वो सामने देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा सनसेट, और ये उज्जैन की गलियां। पहुँच गए? हाँ भैया, धन्यवाद चेतन भैया। तो ई रिक्शा जो है वो पीछे पीछे तक जो दिख रहा है आपको वही तक है, इसके आगे पैदल ही जाना है, पास ही में है मंदिर। और ये हम आ गए फाइनली, आई गेस ये लाइन चालू हो ही गई है अनऑफिशियल, ऑफिशियल आगे से होगी, देखते हैं। अभी अपन ब्लॉक के चक्कर में थोड़ा पीछे रह गए भाई, देखते हैं इनको कहाँ गए, प्रोबेबली यही गए होंगे। आप पीछे नज़ारा देखो, मैं फ्लिप करके बताता हूँ इतने। आए हाय, स्ट्रेट आउट ऑफ हेवन। और अपने वाले सब आगे चले गए, जल्दी चलते हैं। आई गेस अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो यहाँ चप्पल उतार के यहाँ मोबाइल सबमिट करने हैं और फिर दर्शन करके आना है, तो फिर आने के बाद ही मिलते हैं भाई। बहुत प्यारे दर्शन हो गए अपने, अफसोस अंदर फ़ोन अलाउड था, बस साइलेंट पे रखना था, और जहाँ जहाँ खींच सकते वहाँ वहाँ खींच सकते थे। अभी मुसीबत ऐसी कि बारिश चालू हो गई है, वो जो रिक्शा वाले भैया थे उनको बुला तो लिया है अपन ने, लेकिन वहाँ तक भी तो जाना पड़ेगा पैदल पैदल ही। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है भाई, आप देखो ये सारे हैं अपने, हम दूध पीने के लिए रुक गए। चीयर्स। बाकी सब आगे चले चिल्लाएंगे, लेट हो रहा है। तो भाई इतने ग्रैंड लेवल पे बनाते, वो उधर गर्म है, ये इधर पता नहीं क्या मलाई है शायद। भैया के साथ जय महाकाल। उज्जैन में बरसात पड़ रही है अभी भी। क्या बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी भैया, अगली बार उज्जैन आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे जी भैया। चलिए जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हमारी मम्मी जान प्यारी से सो गई है एकदम, थक गई थी बहुत बेचारी है, सुबह से काम काम, हम इनको सोने देते हैं।
पीछे भवरी लाल बहुत फेमस है, इंदौर से थोड़ा आगे ही है। यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है, मिठाई और खाना, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था, वो बंद हो गया। उनको बोला भी हमने कि खोल लो भाई, एक ही घंटा तो हुआ है, खोला नहीं उन्होंने। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलते अभी। तो भाई अभी बज रहे रात के 2:30, एक ढाबा खुला मिल गया, कोई मिली नहीं, मिलने कोई तैयार नहीं था, तो खाना खा लिया, अभी निकलते हैं धुलिया के लिए, लेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो भाई लास्ट सीन के बाद सीधा आपको अभी परसों मिल रहा हूँ मैं, मतलब वो जब हम निकले वहाँ से तो हम सुबह 5 बजे पहुँचे घर पे, बहुत थक गए थे। उसके बाद में सारे रिलेटिव्स वगैरह अपने अपने घर गए, तो उसी में बिजी थे कल के दिन। आज का दिन मेरा पूरा पैकिंग में गया। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ फिर से शेगांव, क्योंकि परस्यूट जो है वो प्रीपॉन हो चुका है, कल फेस भी शायद से हो ही जाएगा, उसके भी चांसेस है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अंटिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।